कोविड-19 महामारी से छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को छात्रावास खाली करके अपने घरों को लौटने का आग्रह किया है। यह निर्णय गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर की अध्यक्षता में होने वाली प्रोवोस्ट और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान लिया गया। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। जिन छात्रावासों में वर्तमान में छात्र रह रहे हैं, उनके प्रोवोस्ट द्वारा उन छात्रों के माता पिता को एक अलग पत्र भेजा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बच्चे छात्रावास खाली कर अपने घर वापस लौट जाएं। छात्रों के माता पिता को यह पत्र ईमेल और डाक द्वारा भेजे जाएंगे। महामारी के मद्देनजर छात्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में सभी शिक्षण कार्य ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं और परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएंगी। छात्रों के लिए छात्रावास खाली करना और सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहना स्वयं उन्हीं के हित में है। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रोवोस्ट एवं इस अवधि के दौरान अपने हॉल की रीडिंग रूम, कॉमन रूम और लॉन के रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को भी सलाह दी गई है कि वह अपनी टीम के सदस्यों और सुरक्षा कर्मियों को कैंपस, विशेषकर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और कल्चरल एजुकेशन सेंटर और इसके आसपास की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दें। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा कि यह तुगलकी फरमान ऐसे वक्त में क्यों किया जा रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इससे परेशानी किस बात की है। उन्होंने बताया कि एएमयू की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में कमियां होने के कारण रोज बहुत से छात्र कंट्रोलर ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, कुलपति कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अगर वह अपने जिले चले जाएंगे तो प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। फैजुल हसन ने कहा कि एमयू के छात्रों को जो मेडिकल सुविधा आसानी से कैंपस में मिल सकती है, वह उनके गृह जनपद में आसानी से नहीं मिल सकती, और अगर मिलेगी भी तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में एएमयू प्रशासन को चाहिए कि वह सारे छात्रों को बुलाकर अलग से कैंप लगाकर वैक्सीन लगवाए, जिससे कोरोना जैसी महामारी से छात्रों की जिंदगी बचाई जा सके। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 5 पॉइंट की एक नोटिस जारी किया है, जिसमें एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि जो छात्र स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं, वो फौरन खाली करके अपने घर चले जाएं। और उसके अलावा उन्होंने ऑर्डर दिया है प्रॉक्टर को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्हें चेक करें और सिक्योरिटी की पर्पज़ से सारी चीज़ें मुहैया कराएं, हर चीज़। तो हम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ क्या जो वैक्सीन का प्रोसेस है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सिर्फ फैकल्टी मेंबर या स्टाफ, सिर्फ वही लोग इसकी जो है चीज़ें हासिल कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है? और ये कोई स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। ज़िम्मेदार लोग पढ़ते हैं और इसमें बाकायदा जो मेच्योर लड़के हैं वो पढ़ते हैं। तो ऐसे लड़कों को इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकाल करके उनके ज़िले भेज दिया जाए, जहां पर ज़िलों में ना तो मेडिकल फैसिलिटी सही है, ना वहां वैक्सीन का कोई मामला सही है, ना वहां पर कोई ऑक्सीजन की सही चीज़ें हैं मुहैया हो पा रही हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ हो सकती थी, मिल सकती हैं आसानी से, वो और कहीं नहीं मिल सकती। तो ऐसे वक्त में ऐसा तुगलकी फरमान जारी करके एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है। और हर साल जो मेंटेनेंस के नाम पर ये बार बार एक नोटिस जारी किया जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर एमयू का कैंपस खाली किया जाए, तो ये बहुत अफसोस की बात है कि कभी भी कोई भी साल में कभी भी ऐसा होता नहीं है खाली करके, और काम नहीं होता है। एमयू छुट्टी होती है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाता है, सारे काम बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड हैं वो सही जगह जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मैं बस यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो छात्रों को इस वक्त बुला करके वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत थी, उनके लिए अलग से कैंप लगा करके वैक्सीन लगाने की ज़रूरत थी, वो बच्चों को यहाँ जो बचे हुए हैं 400-500, उनको घर भेजने में इतनी जो है जिम्मेदारी अपनी क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो बच्चे, इस स्टूडेंट या हम छात्र इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं हैं? हम सवाल कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं फैजुल हसन, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ।